Good morning, students. Good morning. Today we are going to start a new chapter of business study, and the name is business chemistry. See, we are going to start directly chapter number 4, as it is more interesting. ठीक है? Why? क्या नाम है chapter का? Business chemistry. Right? तो हमेशा हम ये करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए बच्चों के साथ से उस चैप्टर को पहले देना चाहिए जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप हो. एंड बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप खुद कहेंगे ये सर मजा आ गया, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. देखिए इंडिया में कितने सारे सेक्टर्स हैं जिसमें एक स्पेशल कौन सा सेक्टर है? सर्विस सेक्टर. जहाँ पे मेन हमारा टारगेट क्या रहता है? सर्विसेज, सर्विसेज, सर्विसेज. एक टीचर स्कूल में क्या दे रहा है बच्चों? सर्विसेज दे रहा है. राइट? एक इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी लोगों को क्या दे रही है? सर्विसेज. एक बैंक, एक बैंक बच्चों मार्केट में आपको क्या दे रहा है? सर्विसेज दे रहा है. यानी कि इतना अच्छा खासा स्कोप है. हालांकि कुछ जगह भी ड्रॉबैक भी चल रहे हैं, जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री. टूरिज्म इंडस्ट्री सोचिए, कभी आप घूमने जाते हैं थाईलैंड, सिंगापुर, अलग अलग लोकेशन, इंडिया में केरला, विशाखापट्टनम एंड डिफरेंट लोकेशन, गोवा. किसकी हेल्प से जाते हैं? टूरिज्म इंडस्ट्री. मान के चलिए कई बार हम सीधा सीधा पैकेज देते हैं कि सर हमें पैकेज दीजिए, हमें ए लोकेशन, हमें बी लोकेशन, हमें ले लद्दाख, हमें शिमला घूमने जाना. राइट? तो किस इन सेक्टर की हेल्प लेते हैं आप? टूरिज्म सेक्टर की. क्योंकि वहां पे आपको इजिली बेनिफिट मिलता है. यू जस्ट नीड टू पे अमाउंट एंड यू गेट दी सर्विसेज, यू गेट दी सर्विसेज. सो दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर नेम बिजनेस सर्विसेज. इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजेदार टॉपिक है ये. सर्विसेज का मेन मीनिंग क्या है? इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो अपने आप में इजिली जजमेंटल वाली बात है कि जहां हम गुड सेल आउट नहीं कर रहे, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दी कंज्यूमर. सिंपल. हाँ, लेकिन इसमें अगर हम बात करें, अभी स्टार्टिंग से लेकर पूरा स्क्रीन आज हम डिस्कस करने वाले. वी हैव टू डिस्कस थ्री वेरियस थिंग्स. नंबर वन, सर्विस एंड मीनिंग एंड इट्स नेचर, और वी कैन से फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोस टू सर्विसेज? यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन नाइन्थ क्लास देयर इज अ सब्जेक्ट मार्केटिंग. नाइन्थ क्लास में सब्जेक्ट है बच्चों मार्केटिंग, और वहां पर भी हम बच्चों को एक टॉपिक पढ़ाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंस. ठीक है? और ये तो बात फैक्ट है कि गुड्स एंड सर्विसेज अपने आप में दो डिफरेंट एस्पेक्ट है. गुड्स टेंजिबल फॉर्म में है, सर्विसेज इनटेंजिबल फॉर्म में. क्या आप मेरी सर्विसेज को जो मैं पढ़ा रहा हूँ रेस्पेक्टिव स्टोर करके? अब आप कहेंगे सर आपका वीडियो ग्रुप में आ जाता है तो हम बाद में देख सकते हैं. दैट इज ओके. बट क्या सेम लेक्चर में वापस दे सकता हूँ? सेम लेक्चर में दूसरी क्लास में आपके विद द सेम रिदम, विद द सेम 100% नॉलेज? नहीं सर. नॉलेज को हम स्टोर नहीं कर सकते, गुड को स्टोर कर सकते हैं. राइट? बिकॉज व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज. ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों. जो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज है इसमें आइए जल्दी से चेक करते हैं. हम थ्री टाइप की सर्विसेज जनरली प्रोवाइड करते हैं. नंबर वन, हमने जो डिवाइड किया सर्विसेज को, वो किसने किया? बिजनेस सर्विसेज, देन सोशल सर्विसेज, देन पर्सनल सर्विसेज. गुड मॉर्निंग वाहिनी एंड लक्ष्य. राइट बेटा, अगेन गुड मॉर्निंग. वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर एंड दिस इज चैप्टर नंबर 4. क्योंकि सेकेंड और थर्ड से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार, जिसमें आपका माइंड डेवलप होगा, आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा. द नेम ऑफ द टॉपिक इज बिजनेस सर्विसेज. जहां हम क्या सीखेंगे, कौन कौन से सेक्टर है, कैसी कैसी सर्विसेज हमें मिलती है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है बच्चों. कैसे से यूजफुल है? बैंक, बैंक क्या प्रोवाइड करता है बच्चों आपको? सर्विसेज प्रोवाइड करता है. अब आपको अभी तक नॉलेज ही नहीं है अच्छे से. आप 11th क्लास में आ चुके हैं, सब बच्चों को नहीं है अच्छी नॉलेज कि बैंक हमें क्या क्या फैसिलिटी देता है. सर एक सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देता है, एक करंट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देता है, एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देता है, जिसे हम आरडी अकाउंट भी कहते हैं. तो जनरली आपके पेरेंट्स कराते हैं हर महीने एक फिक्स अमाउंट, 2000, 3000, 500, 1000 आपके पेरेंट्स पोस्टमैन को देते हैं या पोस्ट जो पोस्ट ऑफिस का एजेंट है उसको देते हैं, और 6-5 years बाद आपको वो पैसा विद बेनिफिट मिल जाता है बच्चे. तो इन सबकी नॉलेज आपको इस चैप्टर में होने वाली है. एज वेल एज अगर आप बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं तो क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड ड्राफ्ट? 6
चेक बनाते हैं तो क्या इश्यू रहते हैं, फिर क्या आपने किसी ने सुना है आरटीजीएस या एनईएफटी, ये दो स्पेशल टर्म, ये भी आज इस चैप्टर के थ्रू आपको नॉलेज मिल जाएगी। एनईएफटी क्या बोला मैंने, एनईएफटी, एनईएफटी क्या होता है, नेशनल। हाँ जी बच्चों, एनी आइडिया, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एक होता है आरटीजीएस, एक क्या होता है बच्चों आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। लाइक अगर अभी किसी बच्चे के पेरेंट्स ऑनलाइन फीस डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो भी तो सर्विसेज का एक पार्ट है, फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैंक। तो हमारा ये जो पूरा चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज, यहाँ हम थ्री टाइप के वेरियंट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। पहला पार्ट क्या है बच्चों, बिजनेस सर्विसेज, पहला पार्ट क्या है बिजनेस सर्विसेज, इसी के ऊपर मैक्सिमम पूरा चैप्टर आपका भी बिजनेस सर्विसेज, क्योंकि सर देखिए कुछ भी कही भावनात्मक चीजें अलग है एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड किसके ऊपर बेस है, मॉनिटरी टर्म्स के ऊपर। तो जो आप सेकंड और थर्ड देख रहे हैं, थर्ड में भी हालांकि मॉनिटरी टर्म्स का ढेर कार्य शिकार है, सेकंड जो है सोशल सर्विसेज, उसमें भी ऐसे मॉनिटरी टर्म का तो इम्पैक्ट है, डिस्कस करते हैं। चलिए हम यहाँ नहीं आ रहे, देखिए जो बेसिक है बट हम बात कर रहे हैं सीधा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज की। सर्विस कई इतने सारे सेक्टर है बच्चों, जिसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, थ्री पार्ट। पहला पार्ट क्या है बिजनेस सर्विसेज, तो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है, जिसमें नंबर वन हमने किसको कैटेगराइज किया, बैंकिंग, ऑफकोर्स बैंक क्या प्रोवाइड करते हैं सर्विस। नंबर टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, ऑफकोर्स सर्विसेज। नेक्स्ट पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, पोस्टल, पोस्टल सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, ऑफकोर्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पोस्ट ऑफिस क्या प्रोवाइड करता है सर्विसेज। नेक्स्ट वेयर हाउस, जहाँ पर आप अपना गुड्स, जहाँ पर आप अपना गुड्स स्टोर करके रखते हैं। तो सोचिए क्या वेयर हाउस कुछ सामान बेचते हैं, अब सोचिए कि मैंने क्या किया, एक बहुत बड़ा कोल्ड स्टोर बना लिया, कोल्ड स्टोर, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ कोल्ड स्टोर, जहाँ पर हम आप लोगों को अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को या जो गुड्स बेचते हैं उनको हम फैसिलिटी देते हैं कि आइए आप अपना सामान हमारे यहाँ रख दीजिए, वन मंथ, टू मंथ, थ्री मंथ, सिक्स मंथ, और वो सामान आपका एज इट इज सेफ रहेगा हमारे वेयर हाउस में, राइट। उसका कूलिंग टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है, इतना ज्यादा हाई लेवल पर रहता है कि आपका सामान वहां पर सुरक्षित रहता है। तो वेयर हाउसिंग वाले कुछ बेच तो नहीं जा रहे हैं, बट दे आर डूइंग, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अरे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, जो ये बसेज है, ट्रेन है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आता है, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज। अब सोचिए क्या अगर आप एक बस से ट्रेवल कर रहे हैं तो बस आपको कुछ बेच रहा है, क्या बुक बेच रहा है, नहीं सर, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो इसमें से जो मेन मेन एस्पेक्ट है हम उसके ऊपर एक चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिसमें बैंकिंग भी है ऑफकोर्स, क्योंकि बैंक कितने सारी फैसिलिटीज आपको देता है और बच्चे को पता ही नहीं होता। तो इस चैप्टर के थ्रू आप रियल लाइफ से कितना क्लोज कर रहे होंगे बच्चे पूछिए। देन इंश्योरेंस, वंडरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, वेरियस टाइप के इंश्योरेंस होते हैं और इंश्योरेंस में कुछ प्रिंसिपल्स भी अप्लाई होते हैं, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बच्चों, वैसे सेम टू सेम इंश्योरेंस में भी कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। पोस्ट ऑफिस क्या क्या सर्विस देता है, इसका भी नॉलेज आपको इस चैप्टर में मिलेगा कि पोस्ट ऑफिस आके क्या क्या सर्विस देता है, राइट। ओके बच्चों, इसके अलावा क्या लिख रहा है आपको, वेयर हाउसिंग के ऊपर कोई गहरा डिस्कशन नहीं है, क्योंकि वेयर हाउसिंग अपने आप में क्लैरिटी है, इतना सा एक वर्ड है वेयर हाउसिंग, हालांकि बहुत बड़ा स्कोप है, अगर आपका बहुत बड़े लेवल पे कई सारे वेयर हाउस है तो अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट इसमें क्या रूल्स रेगुलेशन में है, कुछ भी नहीं, इसकी गहराई क्या है, कुछ भी नहीं। बैंक फॉरएवर पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बैंकिंग सेक्टर अपने आप में फेमस है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री फेमस है, पोस्ट ऑफिस फेमस है, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट वेयर हाउसिंग, छोटा सा नाम वेयर हाउस, इसके अंदर कोई डिटेल डिस्कशन नहीं है, राइट। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, इसके ऊपर भी कोई डिटेल डिस्कशन नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने आपको वर्बली डिस्कशन कर लिया कि बहुत सारे ये जो बसेस ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन है, हम इंसानों के लिए, कंज्यूमर के लिए, हमें इनसे क्या मिलती है, सर सर्विसेज मिलती है, हम इनको अमाउंट पे करते हैं और ये बदले में हमें क्या देते हैं, सर सर्विसेज देते हैं। तो इनके ऊपर कोई डिटेल डिस्कशन होगी। टॉक अबाउट सोशल सर्विसेज, क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव,
societies se related. There are so many organizations, inka main objective paisa earn karna nahi hai. Inka kya objective hai? Samstha, society ko, logo ko, services provide karna. Jaise ki kuch NGOs hain, aap Bikaner ke hain, to aapko bhi pata hoga ki kai jagah Bikaner bhi chote chote NGOs hain. Unka main target kya hai? Goods sell out karna nahi hai, par services provide karna. ठीक है, एजुकेशन में छोटे छोटे इंस्टीट्यूट है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं? सर सर्विसेज दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं सोसाइटी को. तो इसके ऊपर बेस करते हैं, कोई एक्चुअल डिस्कशन नहीं है, क्योंकि ये तो वर्बली कुछ बातें हैं जो हमने आपस में डिस्कस की. हाँ, इमोशनल टचिंग आ रही है कि सर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर सर्विसेज. कभी हम छोटे छोटे गरीब बच्चों को कुछ खाना खिला देते हैं, कुछ संस्था ऐसी है, कुछ संस्था जो पढ़ा देती है उनको, कुछ संस्था ऐसी है जिनको लिविंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देती है, रोटी कपड़ा एंड व्हाटएवर बेसिक चीजें. तो इसके ऊपर भी गहरा डिस्कशन नहीं है. आपको बताता हूँ इसके रिलेटेड, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड शिक्षा के लिए, मुझे हिंदी में इसका नाम ध्यान है. राइट नाउ व्हाट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट अगर आप इससे कोई बच्चा गिन्नानी एरिया जानता हो, अंदर के अंदर गिन्नानी नियर बाय जूनागढ़, तो वहां पर आप सुनना और रेज हैंड करना कि आपने कितने बच्चों को इसके बारे में ध्यान है. सुनना पूरी बात, ये एक ऐसी संस्था है जो सोशल सर्विस के अंदर आती है, फ्रॉड शिक्षा केंद्र, ठीक है, नियर बाय गिन्नानी. और इस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पता है क्या है? ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली हेल्प करने के लिए बनी. अगर आप यहाँ पर कुछ कंप्यूटर का कोर्स सीखते हैं, पता है ये कितना चार्ज करते हैं? हाईएस्ट वन ऑफ टू मंथ का 150 rupees पर मंथ या 2 months ऐसा कुछ चल करता. सोचिए जस्ट अ नॉमिनल अमाउंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? सर टू प्रोवाइड सर्विसेज, टू प्रोवाइड सर्विसेज. यानी कि आप सोचिए अगर आप कहीं कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं, ठीक है, वो भी सर्विसेज दे रहे हैं आपको, ठीक है, आप कहीं कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल से भी आप क्या ले रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं. लेकिन एक बात का आंसर दीजिए, क्या इतना सा अमाउंट होगा? सोचिए, सुना आपने तो किसी बच्चे ने नहीं सुना, पता है 11th ऑनवर्ड्स आपको और भी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए. आप सोचिए बहुत से बच्चे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, वहां पर कंप्यूटर है या टाइपिंग है, दे आर चार्जिंग अ नॉमिनल अमाउंट बिकॉज उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? सोसाइटी को हेल्प करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना, और गवर्नमेंट भी ऐसा कर रही है. राइट, क्लियर है बच्चों? आगे आते हैं पर्सनल सर्विसेज, ठीक है, पर्सनल सर्विसेज में क्या दिया? जो हम अकॉर्डिंग टू दी कंज्यूमर अलग तरह को सर्विसेज दे रहे हैं, इसमें टूरिज्म भी डाल सकते हैं हम, इसमें रेस्टोरेंट भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी चॉइस. तो इसके ऊपर भी ऐसा कोई गहरा डिस्कशन नहीं है. मेन जो डिस्कशन है वो किस किस के ऊपर है बच्चों? बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल सर्विसेज, दैट्स इट, फिनिश. क्लियर है बच्चों? अब इसके ऊपर तो हम गहरा डिस्कशन करेंगे ही करेंगे. बिफोर दैट, बट आई वॉन्ट टू डिस्कस फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ताकि हम इस पूरे स्क्रीन पे आज जो भी हमारा टारगेट है उसको अचीव करें बच्चे. फिर हम स्क्रीन शेयर करके नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, आपको और मजा आएगा. आप पहले करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर से भी इजी है. दैट्स व्हाई मैंने ये चैप्टर लिया और क्यों लिया बच्चों, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे बिजनेस के अंदर. और ये तो और भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बच्चों. चलिए, गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंस है इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब इसमें साथ में मुझे कॉपरेट करें. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज? चलिए हम स्टार्ट करते हैं. इसमें पहला पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, गुड्स टेंजिबल फॉर्म में होते हैं और सर्विसेज इनटेंजिबल फॉर्म में. Goods can be seen, right? But services cannot be seen. Is it fine? Is it fine? So remaining, aap try karenge bachcho. Now it's your time to try the difference between goods and services, right? Right. So humne goods aur services mein basic differences ki baat ki bachcho, aur bahut acha explanation diya aap students ne. Very good to all of you. Goods are tangible and services are intangible. Ye to sabse pehla basic point hai. Sir, agar aap board pe bhi dekhe. एक इन्वेंट्री लॉस का बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, जो गुड्स के अंदर हो सकता है आपको इन्वेंट्री को मैनेज करके रखना पड़ेगा. इफ यू टॉक अबाउट सर्विसेज, आप इसमें क्या मैनेज करेंगे? रिकॉर्ड बताइए कैसे आप मैनेज कर सकते हैं? देयर इज नो ऑप्शन, ठीक है. फिर हमने बात की थी स्टैंडर्डाइजेशन की, जिसके ऊपर अभी हमने रिसेंट डिस्कशन किया कि गुड्स के लिए प्रॉपर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होना चाहिए, नहीं तो कंज्यूमर नहीं लेता बेटा.
आपको पता भी नहीं अभी तक, हो सकता है आप इससे अवेयर ना हो, लेकिन आपके पेरेंट्स हैं, जब भी वो प्रोडक्ट लेते हैं कोई नया ब्रांड मार्केट में आया तो पीछे देखते हैं कि क्या ये ऑथराइज्ड है बाय द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसको परमिशन मिला है मार्केट में सेल आउट करने के लिए अपना गुड, अगर ये तो वो इजिली प्रोडक्ट परचेज कर ले। ठीक है, एक छोटी सी नॉलेज की बात बताता हूँ, प्लास्टिक के अंदर प्लास्टिक के प्रोडक्ट आते, बॉटल्स आती है, लंच बॉक्सेज आते हैं, क्या आपके से कोई बच्चा बता सकता है कि आपके कई बच्चों के पेरेंट्स चेक करते हैं अगर उस पे थ्री अल्फाबेट का ट्रेडमार्क लगा हुआ है, अगर थ्री अल्फाबेट का अल्फा ये ट्रेडमार्क लगा हुआ है तो वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं? एनीबडी? क्या मैंने वर्ड बोला कि जैसे प्लास्टिक के जितने भी आइटम्स आते हैं बच्चों, लाइक बॉटल्स हो गई या फिर आपका लंच बॉक्स हो गए, स्टील के प्रोडक्ट्स हो गए कुछ, ठीक है, इससे आपको जिसमें हम ईटेबल्स यूज करते हैं जैसे पानी के लिए, खाने पीने के लिए, राइट, तो इस तरह का स्पेशल मार्क आता है बच्चों, कोई किसी बच्चे को आइडिया? आपके पेरेंट्स को 100% आइडिया है? ऑफकोर्स वो भी बिजनेस सर्विस का बिजनेस सर्विस के रिलेटेड एक पार्ट है बच्चों, उसे बोलते हैं BPA फ्री, लिखिए अपने रजिस्टर में BPA, बी फॉर बॉम्बे, पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अमेरिका, BPA फ्री, यानी कि अगर BPA फ्री लिखा हुआ है आपकी प्लास्टिक के बॉटल्स पर तो इट मींस आप कह सकते हैं कि रिलायबल है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट है, उस प्लास्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिसर्च करना, अगर आपके घर में कोई प्लास्टिक की बॉटल है या नया नया लेके आए उसके ऊपर BPA फ्री लिखा है, इट मींस 100% मतलब ऑथोराइज प्रोडक्ट हो गया, उसको यूज करने में कहीं पे भी कोई इश्यू नहीं है, राइट। सो अगेन कमिंग फॉरवर्ड टू गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंस के ऊपर, हमने बात की थी गुड्स के अंदर ऑनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं, वेयर एज सर्विसेज का ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, गुड्स में स्टैंडर्डाइज होना जरूरी होता है अगर आप चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत अच्छे से पॉपुलर करना, अपनी सेल इंक्रीज करना, तो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज कराइए, उसको मार्किंग कराइए FICCI की, FISSCI की, या जो भी स्टेप के प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनसे ठप्पा लगवाइए, ISI का मार्क लगवाइए, इससे अच्छे मार्क्स लगवाइए, ताकि जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, ये प्रोडक्ट परचेज करते समय इजिली आपका प्रोडक्ट परचेज कर सके। यानी कि गुड्स में तो ये चीज पॉसिबल है स्टैंडर्डाइजेशन, बट सर्विसेज के अंदर बहुत डिफिकल्ट है बेटा। क्योंकि एक बात बताइए, एक बैंक है एक्सिस बैंक, सबको एक्सिस बैंक आपको क्या मैसेज दे रहा है कि वी आर द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन उसमें सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है? एम्प्लॉई, और एम्प्लॉयज अलग अलग नेचर के होते हैं, हो सकता है एक एम्प्लॉई भले ट्रेनिंग सबको दी बैंक ने बहुत परफेक्ट ट्रेनिंग दी, बट द थिंग इज दैट कुछ एम्प्लॉई अभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे कस्टमर्स को, वो कस्टमर को इजीली ले रहे हैं, उनको कुछ भी डाइट कर रहे हैं, गलत टाइमिंग दे रहे हैं। यानी कि सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइड करना और इसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। इस तरह क्या डिस्कस करें, इसका टॉक अबाउट टीचर, हो सकता है सारे टीचर्स परफेक्ट है ना, देयर आर सो मेनी टीचर्स इन आवर स्कूल, बट क्या सब टीचर इक्वली पढ़ा पाएंगे, क्या इक्वली एक्सप्लेन कर पाएंगे, इक्वली आपको सेटिस्फाई कर पाएंगे? Just imagine, why not? Why? What is the reason? The reason is that sabka nature alag alag hota hai, sabka explanation ka way alag alag hota hai. That's why there is a problem to maintain standardization in services. Books ke top ten sabke pure Hindustan mein, pure world mein, Beta ki jo product bana hai, sabse tez kaisa hoga? Kyunki wo books hai, subscription tez se har jagah pure Hindustan mein, world mein ek jaisa hoga. पतंजलि का हैंड वॉश है हर जगह एक जैसा होगा बच्चों, बिकॉज दीज कैन बी कैटेगराइज इनटू गुड्स। बट इफ वी टॉक अबाउट सर्विसेज, क्या उसमें आप स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं, हमेशा एक जैसी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, दिस इज द प्रॉब्लम, राइट बच्चों। तो ये बेसिक डिफरेंस जो हमने डिस्कस किए किसके अंदर, दो सर्विस किसके अंदर। अब लास्ट दो मिनट हम जल्दी से डिस्कशन करते हैं किसके ऊपर, नेचर ऑफ सर्विसेज, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, जिसमें सबसे पहला पहला पॉइंट क्या है बच्चों, इनटेंजिबल, कहाँ टेंशन है बच्चों इसमें, ऑफकोर्स दोस्त कौन से फॉर्म में होता है टेंजिबल, वेयर एज सर्विसेज कौन से फॉर्म में होती है इनटेंजिबल, एज यू कैन नॉट सी द सर्विस, आप मुझे देख सकते हो लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप नहीं देख सकते, बिकॉज दैट इज वॉट इन द इनटेंजिबल फॉर्म,
Is it okay? So first point clear hai bachcho. Second point is lack of homogeneity. Means what? Kya hota hai sir homogeneity? Means services have to be performed each time according to the demands and expectation of each customer. हाँ जी. Plus हर time जब भी हम आपको service देंगे, of course वो अलग अलग देंगे. आप सोचिए अगर आप bank में भी जा रहे हैं और एक employee आपको service दे रहा है. अगली बार गए तो हो सकता है बीच में एम्प्लॉय मिलेगा वो अलग सर्विस दे रहे हैं. मतलब वही एम्प्लॉय है तो भी हो सकता है वे ऑफ एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है. हो सकता है मैं भी आपको नेक्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ाऊं तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है. 100% सिमिलर नहीं हो सकता बिकॉज दिस में ये चीज पॉसिबल है वेयर एज सर्विसेज में ये चीज पॉसिबल नहीं है. एज वेल एज आप में से एक दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या कहा आपकी क्लास के बाद, सर वंडरफुल हमें सब समझ में आ गया. लेकिन एट द सेम टाइम कुछ बच्चे होंगे सर वी नीड मोर एक्सप्लेनेशन, सर इतना अच्छा समझ में नहीं आया. तभी तो हम आपको बता रहे कि सर्विसेज को हम अलग हम स्टोर करके नहीं रख सकते. अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं अबाउट आवर सर्विसेज. सिंपल है बच्चों, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हर टाइम इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं. दैट्स व्हाट सर्विसेज. सिंपल थर्ड पॉइंट देखिए इन्वेंट्री लॉस. हमने अभी भी बात की थी कि गुड के अंदर हमें इन्वेंट्री का पूरा हिसाब किताब है, स्टॉक का मेंटेन करना पड़ता है. तो सर्विसेज में ऐसा कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही हम जब भी सर्विसेज दे रहे हैं अब बेसिक बात करें क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप हमें बदले में कुछ मॉनिटरी का उसमें वैल्यू दे रहे हैं और हम आपको बदले में सर्विसेज दे रहे हैं. और ये बात सब जगह एप्लीकेबल है, बैंक में, इंश्योरेंस में, पोस्ट ऑफिस में, वेयर हाउसिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में. तो ये बच्चों नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. यानी कि सर्विस के सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज. यानी कि इसका क्या मतलब है, इसे आप एक जगह ही कंज्यूम कर सकते हैं, इसे आप अलग अलग जगह कंज्यूम नहीं कर सकते. ऑफकोर्स फॉर एग्जाम्पल लिखा भी आपकी बुक में कि कैन नॉट सेपरेट दी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड बाय अ डॉक्टर फ्रॉम द डॉक्टर. ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, आज एक लॉयर है तो अपना केस फाइल करेगा, टीचर है तो अपना टीचिंग की सर्विस देगा, डॉक्टर है तो अपने डॉक्टर की सर्विस देगा. वेरी सिंपल. अब फिर जो बता रहा हूँ आज ये बेसिक डिस्कशन है, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम इसको वायर स्क्रीन शेयर करके एक एक पॉइंट क्लियर आउट करेंगे, ठीक है. लास्ट वर्ड क्या है, कस्टमर्स पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट. टू एक्सप्लेन सर सर्विस द पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इज एसेंशियल. सीधी सी बात है, अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ तो किसको दे रहा हूँ, डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं होगा तो कैसी सर्विस दूँ. एक बैंक किसको सर्विस देगा, किसको, सर एम्प्लॉय कस्टमर को देगा. कब तो कस्टमर बैंक जाए, अकॉर्डिंग टू डिजायर हम आपको सर्विस देंगे. हम क्या किसको पढ़ा रहे हैं, सर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं. मैं टीचर हूँ किसको पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ. तो अगर स्टूडेंट ही नहीं होगा तो मैं पढ़ाऊंगा सबसे. वेरी सिंपल, यानी कि आपका पार्टिसिपेशन चाहिए चाहिए. विदाउट योर पार्टिसिपेशन मैं आपको बिना आपके पार्टिसिपेट किए, अब आपको कोई बच्चा का डाउट पूछेगा तभी तो मैं डाउट एक्सप्लेन करूंगा. अदरवाइज क्या रहेगा, किसी के अगर समझ में आ गया आपने पार्टिसिपेट किया समझ में आ गया और डाउट आया तो आपने पूछा मैंने आपको एक्सप्लेन किया समझ में आ गया बच्चे आपको, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन लेवल क्लास ऑफ बिजनेस सर्विसेज. जहाँ हमारा मेन टारगेट क्या है कि सर सर्विस का मीनिंग क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिफरेंस क्या है सर गुड्स एंड सर्विसेज में. देन क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस की बात करें तो सर इसे हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस एंड पर्सनल सर्विस. और जिसमें सबसे ज्यादा डिस्कशन जो एक बच्चे के साथ रहता है हमारा इस चैप्टर में और रियल लाइफ में, जो जिसके ऊपर ज्यादा फोकस ऑरिएंटेड टॉपिक है वो कौन सा है, बैंक. बिकॉज बैंक आपको वेरियस टाइप की सर्विसेज देता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, डिफरेंट टाइप का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है. और नॉन लिविंग थिंग्स का भी इंश्योरेंस होता है, आपकी बिल्डिंग का, आपकी दुकान का, फर्नीचर का, इन सब चीजों का भी क्या होता है, इंश्योरेंस होता है. कार इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस, जो जहाज चलते हैं पानी के ऊपर उनका भी इंश्योरेंस होता है, राइट. वेयर हाउसिंग क्या प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या प्रोवाइड करता है, ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं. सोशल सर्विस हमने अभी भी डिस्कशन किया कि सोसाइटी के लिए हम कुछ कर रहे हैं. और पर्सनल सर्विस जो टूरिज्म से रिलेटेड है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, ठीक है बच्चों. तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा फ्रॉम माई साइड. इफ यू हैव एनी डाउट आफ्टर द क्लास यू कैन डिस्कस विद मी. थैंक यू वेरी मच बच्चों, हैव अ नाइस डे.